आपके भी इस तरह का एरर आ रहा है तो आपको क्या करना होगा, बहुत ही आसान सा मेथड आपको मैं बताऊंगा। आपको आपके फाइंडर में जाना है, फाइंडर में क्लिक करके अपने देखिए आपको बताता हूँ। आपको जैसे आप मेरे अपने कीबोर्ड का कमांड बटन जो आपका है उसको प्रेस करते हैं, फाइंडर सेलेक्ट करके ही दबाना है। जैसे हम यहाँ देखो कोई गो का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो फाइंडर सेलेक्ट करते ही हमारे गो का ऑप्शन आ गया है। गो का ऑप्शन आते ही हमें कमांड बटन दबाना है और हमारे यहाँ देखो लाइब्रेरी आ जाती है। कमांड प्रेस करोगे तब ही लाइब्रेरी आएगी, ऐसे आपको लाइब्रेरी नहीं मिलेगी, कहीं मेरे दोस्तों को परेशानी होती है। तो उसके बाद आपने लाइब्रेरी में जाकर जहाँ अडोब लिखा होगा, आपके पास अडोब आफ्टर इफेक्ट है तो आपको सावधानी से डिलीट करना होगा। अगर आपके पास अडोब आफ्टर इफेक्ट नहीं है तो अडोब जहाँ कोई भी वर्जन है आपने यहाँ अंदर जाकर अडोब की सभी फाइलें डिलीट कर देनी है। जैसे ये इतनी फाइल है अडोब की, जहाँ जहाँ आपको अडोब लिखा मिलेगा उसको डिलीट कर देना है आपने। ये देखो अडोब लिखा हुआ है, ऐसे सभी जगह अंदर अंदर फोल्डर के जा जाकर चेक करना है कि अडोब जहाँ लिखा है उसके बाद उसको डिलीट करने के बाद ट्रैश को भी खाली कर देना है आपने। और अब उसके बाद आप इंस्टॉल करोगे तो आपका आसानी से इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। इंस्टॉल करने का तरीका ये है कि आपने उसके बाद किस तरह इंस्टॉल करना है वो भी देख लें आप, क्योंकि कई बंदे इंस्टॉल कर नहीं पाते और उसका क्रैक वर्जन जो होता है और उसको मुश्किल से कर पाते हैं। उसके लिए आपको आगे वीडियो देखना है तो ये भी देख सकते हैं। ये देखो कोई एरर नहीं आ रहा है, ये बहुत आसान सा मेथड है इंस्टॉल करने का। कोई भी आपका फोटोशॉप कभी भी ऐसे ट्रायल वर्जन करते हैं तो उसके बाद वो फुल वर्जन नहीं कर पाते, वो भी ये तरीका है। और इसको आपके पास अडोब फोटोशॉप के बारे में कोई और भी दिक्कत है, जहाँ एप्पल के पीसी के अंदर चलने वाले कोई भी सॉफ्टवेयर की जानकारी आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। आपको उसके बारे में वीडियो बनाकर आपको जल्द से जल्द लाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।